देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। ऐसे में लोगों का रोजगार भी ठप हो गया है। बावजूद इसके सतनाली में फल सब्जी व खाद्य पदार्थों की कीमत आसमान छूने लगी है। दुकानदार मनमाने दामों पर सामान बेच रहे हैं और अगर कोई इसका विरोध करता है तो सामान देने से ही मना कर देते हैं। किसान गरीब मजदूरों को दुकानदारों के मनमाने दामों पर सामान खरीदना पड़ रहा है। खाद्य पदार्थों की ही तरह फल सब्जी के दामों में भी उछाल आने से लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। सतनाली व आसपास के गांव में फल एवं सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी की सूचना पाकर आज मार्केट कमेटी के ऑक्शन रिकॉर्डर दारा सिंह ने सतनाली का दौरा किया और विभिन्न सब्जी और फल की दुकानों पर जाकर दुकानदारों से रेट की तस्दीक की। हालांकि दुकानदारों ने मार्केट कमेटी अधिकारी को देखकर ग्राहकों को उचित रेट पर सामान बेचने लगे, लेकिन अधिकारी के जाते ही दुकानदारों ने मनमाने दाम वसूलने शुरू कर दिए। यहां के हालात ये हैं कि जब कोई अधिकारी आता है तो उनके सामने तो भाव गिर जाते हैं, वहीं उनके वापस जाते ही दुकानदार ग्राहकों से सामान के मनमाने दाम वसूल करते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं ऑक्शन रिकॉर्डर दारा सिंह जी। सतनाली में जो है लॉकडाउन के दौरान फल विक्रेता और ये खाद्य पदार्थ जो हैं वो उन दुकानदार उनके मनमाने वसूल ग्राहकों से ले रहे हैं, इस बारे में आपने क्या कार्रवाई की? ऐसा है, जो खाद्य पदार्थ है, किराना का जो माल है, वो फूड सप्लाई विभाग के खाद्य आपूर्ति विभाग के अंडर में आता है और फल और सब्जी है ये मार्केट कमेटी के अंडर में आता है। इसके हमने एक वो तरीका बनाया है कि हम रोज़ाना लिस्ट या सरपंच को और उनको देंगे और इनको दुकान के आगे लिस्ट चिपका देंगे, उस लिस्ट के उस रेट के अनुसार ये हर ग्राहक को मार देंगे। उससे अगर ज़्यादा ये वसूलते हैं तो हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई ग्राहक हमारे पास शिकायत लेके आता है कि इसने लिस्ट से ज़्यादा पैसे दिए तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।